टू बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अभी लरवरा पंचायत में पहुंचा हूं, बेगूसराय प्रखंड के अंतर्गत आता है और यहां पर एक बहुत बड़ी घटना हो चुका है। यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा कि वो जगह कौन सा है जहां पर क्या वजह था। मैं दिखाना चाहूंगा वही इनका ये घर जो है वही घर है। सारे घर के लोग यहाँ से जा चुके हैं, घर छोड़कर फरार हैं इस समय। और मैं बता देना चाहूँगा कि एक दो इनके जो है महिला की जो गोतनी है वो यहाँ पर मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या वजह रहा, जो इससे ये बड़ा इतना बड़ा घटना कैसे हो गया। हम सब कुछ नहीं जानते, हम रात को सो रखे थे, हम सबको 2 बजे 3 बजे पता चला है कि ऐसा ऐसा हुआ। अब हम ये नहीं जानते रात में क्या हुआ नहीं हुआ, छत पर थे। इससे पहले कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा था बीच में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और पति पत्नी में जो होता है समान स्थिति बना हुआ था या कि किसी तरह की लड़ाई भी हुआ था बीच में? ऐसी थोड़ी मेरी बकझक दोनों में अभी भी चल रही। इस तरह से पहले कभी कुछ हुआ था जो आत्महत्या करने का प्रयास किया गया था उनके द्वारा? हाँ, ऐसा हुआ था एक बार, उन्होंने खुद ही एंटी वो गाय जो लगता है ना चमक्कन, वो मरने वाली दवाई पॉइजन पी लिया था। हाँ, नहीं जानते, हम सब सो रखे थे, हमें कुछ नहीं पता। घटना के लेकर आप कुछ जानकारी है आपको? कोई जानकारी नहीं, सब घर में सोए थे। आप लोग सब सोए थे और वो कहाँ पे? छत पर सो गए थे। छत पे घटना हुआ? पूरी फैमिली छत ही पे सोते थे, छत पर गए थे सोने के लिए। तो सबको पता चला ये घटना कितने बजे की है? मतलब 2 बजे छत पर से नीचे उतारे ना, तब सबको पता चला कि ऐसे कम हो गई। मैं सुत को उठलिए तब कर। कभी इससे पहले लड़ाई झगड़ा भी हुआ है? इसने सुन लिए कल बटवारा रहे, और कुछ बात नहीं। लड़ाई बटवारा किसके साथ चल रहा था? गोतिया में भाई के बीच? तो क्या उसमें बटवारा में किसी तरह की नोक झोंक हुआ था भाई? पंचायत होते आज पंचायत होने वाला था और आप कुछ जानकारी दे? तो भैया हमको तो देख भी नहीं पाए, हमको कुछ पता नहीं। गोलू साह जी, क्या मामला था, क्या हुआ था जो इस तरह की घटना हो गया? जमीन के विवाद में लेके गोतिया में लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो इससे पहले भी मामला कुछ चल रहा था, इसके पूरी पूरी जानकारी? उससे पहले भी लड़ाई झगड़ा हो रहा था घर में, घरेलू लड़ाई वाला होता था। ऐसा क्या हुआ, किसके द्वारा ये हत्या किया गया ये बताए? अपना ये घर में घरेलू विवाद हुआ, जमीन के माध्यम में लड़ाई हुआ है, उसमें सब कांड किया गया। आप रात में कहाँ पर थे जब ये घटना अंजाम दिया गया? रात में हम घर में थे, हम नीचे सोए थे अपना, हम बाल बच्चा। ये घटना हुई कहाँ पे? घर पे हुए। घर पे, घर में आप थे तो आपके सामने हुआ है? नहीं, हमारे सामने, हम नहीं देखे हैं उनको। आपसे हमने भैबट में लड़ाया था, हमारे पत्नी द्वार पे लड़ा था। तो फिर आपके साथ घटना हो सकता था, आपके भाई बट में अगर लड़ाई चल रहा है तो आपके साथ घटना हो सकता था, तो कहीं ना कहीं एक महिला को क्यों टारगेट किया गया है? उसमें बहुत चाल है, किया है, बताइए आपको चाल है, मीडिया के सामने है? हाँ, हम जानते हैं, मीडिया के सामने हम पता करेंगे कहाँ पर किया है नहीं है। ये आरोप किस पे लगा रहे हैं आप? अभी तो हम अपना भाई पर शक कर रहे हैं। भाई का क्या नाम है? रंजीत। रंजीत साव। और कितने भाई आपके? 5 भाई है, तो एक तो विकलांग है, 4 भाई है, हमसे छोटा 3 है। आप सबसे बड़े भाई? सबसे बड़े भाई। आज पंचायती होने वाला था। आज पंचायती होने वाला था और आज ही के दिन में पंचायती होता, लेकिन रात में ही इतना बहुत बड़ा घटना हो चुका है। और यहाँ पर 2 बच्चे देख रहे हैं जो, बाबू क्या नाम है? सौरभ। सौरभ बाबू, क्या हुआ था मामला? नियम के सूटल बस, मम्मी था छत पर, मैं किधर ने क्या हुआ? मम्मी छत पे थी। हाँ, तो घटना छत पे हुआ था ये सब? हाँ। छत छत पर कौन मारा है, कौन था वहाँ पे छत पर? मैं नहीं देखी, मम्मी अकेले थी वहाँ? हाँ। वहाँ पे और कोई चाचा लोग भी थे? ना। तो यहाँ सब नियम थे, सारे लोग नियम थे। बच्चा बता रहे हैं कि छत पे कोई नहीं था, सिर्फ मम्मी थी। तो एक थोड़ा सा जांच की विषय बनता है पुलिस प्रशासन की, महिला की जो मृतक की पिताजी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। और क्या लगता है, क्या क्या मान रहा था जो इस तरह की घटना हो गया? जमीन का बंटवारा था, जमीन को दीवार वाल टूटा था, इसलिए वो पहले से बोल रहा था जो हम तो उसको मारिए देंगे, लेकिन जमीन नहीं फाइनल होने देंगे। कौन बोल रहा था ये, कौन बोल रहा? ये रंजीत बोल रहा है, साहेब बोल रहा है, मिठू बोल रहा है। आपके दामाद ने उनको लेकर नीचे आए, हालांकि मैंने वहां पर जाकर भी तफ्तीश किया, गांव वाले से पूछा, तो
जी आपने ये उसको आप जब लाए थे तो क्या बजे हमको नींद टूटा, दो बजे जब आप छत पे गए तो उस समय लाने के लिए जब कैसे पता चला कि आप वहाँ पर डेट कर गई है और आप जैसे हम सो के उठे भोर में 2 बजे हम घर में खोजे वो घर में नहीं मिला, वो हम वो बोला हम छत पर जब तक सोते हैं तब तक तुम सब नीचा जाओ, मिला ठीक है मैं चले आया नीचा सब, जब नींद टूटा तो मैं सोचा ये नहीं आया अब तक छत पर क्या कर रहा है, सोया है अकेले तो मैं छत पर गया देखे तो पड़ा हुआ है अकेले, लाश पड़ा हुआ था, लाश अकेले पड़ा था, गला में कुछ खरोच भी था, खरोच तो नहीं है आपने देखे, प्रशासन गए चेक किए सब कुछ। हालांकि यहाँ पर जो छत को हमने दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से दर्शकों को कि उस छत पे किसी तरह की कोई दीवार सिर्फ एक चारों दरवार के चारों तरफ जो है रेलिंग होता है वो सिर्फ एक रेलिंग है और उस पर कुछ भी नहीं है जो एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है जो हत्या करने का, तो कहीं ना कहीं एक पुलिस के द्वारा एक जाँच की प्रक्रिया है, देखना है कि ये जाँच की प्रक्रिया कितने दिनों के बाद दोषियों को पकड़ पाता है। हालांकि ये मामला है जाँच का है और देखते हैं कितना सफल रूप से जांच हो पाता। और भी कुछ कहना है आपको, क्या कहेंगे तीनों बच्चा है आगे की क्या रणनीति है, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? हम मांगते हैं उतना ही जो कि कहते हैं घर के जब्त करिए और उसको भीतर कीजिए, हम बोल रहे हैं सब गए सर देखने के लिए, सब लिखे पढ़े हैं देख लिए अपना सब इंक्वायरी किए, उसके बावजूद अगर मुजरिम भाग रहा है तो उसको पकड़ना जरूरी है जी। यहाँ पर जब मैं गया था तो घर पे कोई नहीं मिला, हालांकि जो मृतक के जो पति हैं वो यहीं पे मौजूद हैं। और मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि बिहार में आए दिन इस तरह की घटना दिन प्रतिदिन होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कहीं कि बिहार सरकार की सुशासन की सरकार की यहाँ पर एक पोल खुलती हुई दिख रही है, कहीं कहीं जो ये अपराधियों द्वारा घटना कर दिया जाता है तो कहीं कहीं एक पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पुलिस प्रशासन से मैं अनुरोध करूँगा कि निष्पक्ष जाँच करें ताकि मृतक का जो भी अपराधी हैं जो इस तरह की घटना किया है उसको पूर्ण सजा दिलाने का काम करें। हमारे इसी तरह के खबरों को देखने के लिए हमारे V2 बिहार न्यूज़ को चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तब तक के लिए धन्यवाद।